तो मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे बात करने जा रहे हैं। किसी ने पूछा है कि हाउ मैनी एमएस एक्सेल में 2010 में कितने डिफॉल्ट शीट होते हैं, और किसी ने इसका जवाब एक सपोर्ट मंत्रा स्टूडेंट एंड ब्लॉगर कुरा पार्टनर का कोई है जिसने जवाब दिया है 3, जो कि ये कहना गलत है। अब कैसे गलत है, चलिए इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। वीडियो का अंत देखिएगा, बड़े मजेदार चीज है। जैसे कि हम कोई नई शीट लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए कंट्रोल एन या न्यू शीट में ब्लैंक वर्क लेते हैं, तो डिफॉल्ट हमारे पास 3 शीट आते हैं, बात सही है। लेकिन डिफॉल्ट 3 ही रहेंगे, ये गलत है। ये डिपेंड करता है यूजर की सेटिंग के ऊपर कि किसी ने अगर फाइल में गया, एक्सेल ऑप्शन पे गए और यहाँ पे इंक्लूड मैंने दिस शीट, जो डिफॉल्ट 3 होता है या फिर 1 होता है, कैसे कई सारे एप्लीकेशंस में 1 होता है, यू कैन चेंज यर। अब मैं यहाँ पे 5 अगर चेंज करके ओके कर दिया, तो अब मैं जब न्यू करूँगा तो मुझे 5 शीट्स मिलेंगे। डिफॉल्ट शीट्स कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डिफॉल्ट 3 ही मिलते हैं। हाँ, डिफॉल्ट सीट की सेटिंग 3 होती है, लेकिन हर वर्जन में नहीं होती है, अलग अलग वर्जन में। किसी में आपका 2 होता है, किसी में 1 होता है, किसी में 3 होता है, 1 एंड 3 होता है। लेकिन हर कोई यूजर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है, आप भी इसको चेंज कर सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे साथ कंप्लीट एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि डेली बेसिस पे क्लासेस की अपडेट आती रहे, क्योंकि हम इसमें एडवांस एक्सेल की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस डालते हैं। और हमारी जो लाइव क्लासेस होती है, जूम ऐप के थ्रू होती है, जो कि आप अपने घर बैठे मुझसे ले सकते हैं डायरेक्ट। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां मिल जाएगा। साथ में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।